जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। क्यों तो ना है? क्यों ना रेशु स्टार्ट कर दियो तो कर दे तो या फिर ना? क्यों ना क्यों तो थक गए आंटी तो थक गए कम से कम अंजलि आंटी। वो बोल लेगी और बाकी ग्रुप पे का ऑनलाइन थक बता हम देख भी तो खूब नहीं ना आते ना जाने तो सब ऐसे चट्टे से सस्ता करते हैं नेट ऑन चम जय गुरुजी, जय गुरु गुरुजी संगत जी, जोड़िए आप लोग आइए। ওই গ্রুপটাতেই তো গেছি না বড়জি মাল লাল মজা ইয়াম গ্রুপে গুরুজির লাল মজা তুমি তো টামে বসে আছি হ্যাঁ দেখছিস তো আরো বস নেই তো না একটা লোক নেই সকালে ওকে মেসেজ পাঠালাম কোনো উত্তরই দিলাম
পোস্ট করে নাকি, ওরা এসে অ্যাপ্রুভ করে পোস্টগুলো? হ্যাঁ এই লাইভটাকে। হ্যাঁ নেই না, কেমন গ্রুপ, কিছু কিছু গ্রুপ হয় আর না, তো দেখতে পাচ্ছিস তুই বল ওটা, আমি বসে আছি এটা লাইভ। আমি তো গ্রুপ রিকোয়েস্ট দিয়েছি এখন, খুব জয়েনই হয়নি। কি লেখা আছে? ট্যাপ টু ইনভাইট, দেখ দেখ ট্যাপ টু ইনভাইট চলে এসছে। জয় গুরুজি, জয় গুরুজি সঙ্গতজি, জয় গুরুজি, মেরি আওয়াজ আ রহি হ্যায় আব তক গুরু সঙ্গতজি? জয় গুরুজি দেবেন্দর অঙ্কল, জয় গুরুজি, জয় গুরুজি। দুটো লাগে শুরু করে কি আমি আপনার সৎসং শুরু করু ইয়া থোড়ি সি ওয়েট করলু সঙ্গত কে লিয়ে? জয় গুরুজি, ঠিক হ্যায় অঙ্কল জি, জয় গুরুজি, সবই সঙ্গতো কি জয় গুরুজি। গুরুজি কা লাখ লাখ শুকরানা আজ মুঝে আপনি সৎসং শেয়ার করনে কি সেবা দেনে কে লিয়ে। অঞ্জলি আন্টি কো ভি বহুত বহুত শুকরানা মুঝে ফেসবুক মে আকে আপনা সৎসং শেয়ার করনে কি মৌকা দেনে কে লিয়ে। ইয়ে মেরা ফার্স্ট টাইম সৎসং হ্যায়, তবি আজ মে থোড়া সা হেজিটেট ফিল করু, থোড়া সা ঘবরাই হুই হু। গুরুজি আপকা কৃপা হাম পর বরসাতে রহনা, আর আগর মুঝে বোলনে মে কুছ ভুল চুক হোয়ে তো গুরুজি মুঝে মাফ করনা, সঙ্গতজি আপ ভি মুঝে মাফ করনা আগর মুঝসে কোই ভুল চুক হোয়ে তো। অ্যাকচুয়ালি মে বেঙ্গলি ফ্যামিলি সে বিলং করতি হুঁ, তো মেরা হিন্দি থোড়া সা, হিন্দি পাঞ্জাবি থোড়া সা কচ্চা হ্যায়, লেকিন গুরুজি কে কৃপা সে ধীরে ধীরে কোশিশ করু মে গুরুজি কে শবদ শুন শুন কে হিন্দি শিখনা, পাঞ্জাবি ভি সমঝনা, গুরুজি কে কৃপা রহে তো এ ভি ধীরে ধীরে হো জায়গা। জয় গুরুজি। এসে তো সৎসং মানে জেসে সোনা হ্যাঁ গুরুজি সে ফলো করতি হুঁ, বহুত সারে সৎসং শুনতে রহতি হুঁ ফেসবুক মে ইউটিউব মে। লকডাউন মে কোভিড মে তো হাম সবকো ঘর মে গুরুজি নে বিঠা কে ডেলি সুবহ শাম সৎসং করা রে সোনা রে। তো মেরা জার্নি গুরুজি সে জব স্টার্ট হুয়া থা ওই মে আপকো শুরু করতি হুঁ, উসি সেই মে আপনা সৎসং শুরু করতি হুঁ। গুরুজি মেরে ঘর মে তিন চার সাল পহলেই আ গয়ে থে গুরুজি কে স্বরূপ, মেরে হাজবেন্ড উনকে এক কলিগ কে সাথ এক মন্ডে কো গয়ে থে গুরুজি কে বড়ে মন্দির,
फिर उन्होंने आके मुझे शाम को बताया कि बड़े मंदिर हो आया मैं, वहाँ बहुत अच्छा लगा है, बहुत शांति है, तो तुम एक दिन चले जाना। लेकिन मुझे, हम लोग बंगाली फैमिली से है, ऐसे पूजा पाठ, माँ दुर्गा माता की पूजा, काली माता की पूजा ऐसे करते रहते, तो गुरु को लेके इतना वो नहीं था। और गुरु जी के बारे में मुझे कुछ उस टाइम पता भी नहीं था, हस्बैंड ने इतने ही बोले थे कि वहाँ बहुत शांति है, जाके बहुत अच्छा लगते, एक दिन हो आना। तो हम रोहिणी में रहते हैं, छतरपुर बहुत दूर लगता है, तो आज जाऊँगी कल जाऊँगी अभी नहीं तभी नहीं करके ऐसे ही टालती रही मैं। फिर गुरु जी का एक स्वरूप, गुरु जी के एक कोलिग ने मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया, उन्होंने लाके गुरु जी के स्वरूप को फ्रेम करके मेरे घर में गुरु जी का स्थान हुआ है, हुआ 2-3 साल पहले। आते जाते हम लोग गुरु जी को देखते रहते थे, जय गुरु जी करते थे, लेकिन वो चीज़ नहीं था मेरे अंदर, गुरु जी के साथ जो कनेक्शन होता है वो नहीं था। थे गुरु जी मेरे घर में, थे गुरु जी के बहुत कृपा है, बहुत ब्लेसिंग है, तब से गुरु जी हमारे सिर पे हाथ रखा था। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए गए, मेरे हेल्थ इश्यू हुए, ऑपरेशन हुए, गुरु जी तब बैठे हुए थे, मेरे 1-1.5 साल पहले मेरे ऑपरेशन हुए थे, तब भी गुरु जी थे, लेकिन मैं तब गुरु जी से जुड़ी नहीं थी। उसके बाद 2019 में दिसंबर के महीने में मैंने एक दो फ्रेंड्स के घर सत्संग अटेंड की, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, शब्द सुन के बहुत अच्छा लगा, गुरु जी के बारे में धीरे धीरे जानने लगी, यूट्यूब में सत्संग सुनने लगी। फिर अचानक हमारे एक फ्रेंड की तबीयत खराब हो गई, उनके कुछ प्रॉब्लम हो गए, अगर गुरु जी ने चाहा तो वो सत्संग भी कभी करेंगे आपके, आप संगतों के सामने। फिर हम लोग सब ने सोचा कि एक दिन बड़े मंदिर चलते हैं, चलो बड़े मंदिर चलते हैं, बहुत दिनों से सोचा, हस्बैंड भी बोलते थे एक बार वाह चलो गुरु जी से मिल आते, गुरु जी से अरदास करते। फिर हम लोग 5-6 सहेली मिल के रोहिणी से छतरपुर गाड़ी करके, एक वैन करके, मेरे एक आंटी सहेली आंटी है रूपा आंटी, उनके वो टूलिप स्कूल की इंचार्ज है, उन्होंने अपने स्कूल की गाड़ी अरेंज की, और हम लोग 6-7 सहेली मिलके गुरु जी के दर्शन के लिए निकल पड़े। थर्सडे का दिन था, रोहिणी से हम लोग 4 बजे निकले थे, 4 बजे ही निकले थे कि 6 बजे से वहाँ से मंदिर खुलता है, शब्द शुरू हो जाते, मेरे फ्रेंड्स को सारी चीज़ पता था तो उसी हिसाब से चलो। लेकिन बाई कार गए थे, बाई गाड़ी में गए थे, तो बहुत ट्रैफिक आ गया बीच में से, पहुँचते 7:45 बज गए। बहुत बेचैन थे मेरे जो फ्रेंड जाती थी, वो बोलती थी आज बहुत लेट हो गए, लेकिन क्या करें, लेट हो गया था। 7:45 बजे हम लोग जब पहुँचे थे, तो मेरी सहेली आंटी ने बताई थी जल प्रसाद मिलता है वहाँ पे, चाय प्रसाद मिलता है, जोड़े घर में जोड़े रख के। फिर हम लोग जैसे ही गुरु जी के मंदिर में एंट्री किए थे, उस टाइम मुझे ऐसे कुछ कनेक्शन नहीं था गुरु जी से, लेकिन बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, सबसे सब कुछ देख के लगा कहाँ आ गई हूँ, एक अच्छी सी जगह में आ गई हूँ। फिर उस दिन बहुत रस था, हम लोग बहुत दूर, हमें बैठने की जगह मिला था बिल्कुल जहाँ पे जल प्रसाद देते ही हैं उस टाइम, वहाँ पे जल प्रसाद लेके वहीं बिठा दिया था हम लोगों को, कि 7:45 बज गया था। फिर हम लोग सोचते रह गए जल प्रसाद तो मिल गया, अब चाय प्रसाद आएगी, चाय प्रसाद की बारी है, लेकिन उस दिन हमें चाय प्रसाद नहीं मिली। हमारे सामने से सेवादार अंकल लोग सबको चाय प्रसाद दे गए, लेकिन हम लोग वही एंट्री लेते बैठते 7:30 मेरे ख्याल से हो गए थे, तो चाय प्रसाद उस दिन बंद हो गई थी, हमारे वहाँ तक चाय प्रसाद नहीं आई थी। फिर मंदिर में प्रवेश किए, गुरु जी के सामने बैठने की थोड़ी सी मौका भी मिला, एकदम गुरु जी के गद्दी के सामने बैठे 5 मिनट बैठी, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसी सबसे मैं जोड़ी नहीं थी तब तक, सब कुछ अच्छा लग रहा था, जैसे जैसे हो रहे थे ऐसे ऐसे ही कर रही थी। मेरे फ्रेंड आंटी ने बताई थी रूपा आंटी में कि जैसे जैसे होगा वहाँ पे वैसे ऐसे ही करते रहना, ज़्यादा बातें नहीं करना होता है। फिर हम लोग लंगर करने चले गए,
एक थाली में चार जन बैठ के लंगर किए। फिर हम लोग आए, बहुत अच्छा लगा। आते हुए भी जाते हुए भी गुरु जी के गुणगान करते करते गई। सारे सत्संग आंटी ने सुनाते सुनाते हमको गए थे। आते वक्त भी जो बहुत अच्छा लगा, सब अपने अपने एक्सपीरियंस बताते हुए छह सहेली मिल के हम लोग आए। लेकिन पता नहीं था कैसे मन ही मन गुरु जी जोड़ लिए थे। उस दिन के बाद से लेके 2019 के दिसंबर 14 दिसंबर को मैं पहली बार गई थी, वहाँ से लेके 2020 के मार्च तक मैं कितनी बार गई गुरु जी के दर्शन के लिए आपको मैं गिन के बता नहीं सकती हूँ। बार 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 गुरु जी मुझे बुलाते रहते थे, उनके जल प्रसाद, चाय प्रसाद। अगले दिन फिर उस दिन चाय प्रसाद नहीं मिली थी, तो सारे फ्रेंड्स को, हम लोग जो पहली बार गए थे उनको लगा हमें चाय प्रसाद नहीं मिली गुरु जी के, नहीं कुछ तो मिस रह गया, फिर आना है। अगले दो दिन बाद फिर हम लोग चले गए, टाइम से चले गए, मेट्रो करके चले गए। फिर हम लोग रोहिणी से गाड़ी से फिर नहीं जाते थे, सब लोग बोलने लगा कि मेट्रो ही सबसे आसान होता है, टाइमली पहुंच जाते हो, मेट्रो से चले जाओ। फिर हम लोग 3:30-4 बजे ऐसे ही भागे भागे मेट्रो पकड़ के चले गए। उस दिन चाय प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला, बहुत अच्छा लगा। शब्द सुनी, उस टाइम उतना अच्छा शब्द समझ में नहीं आता था, लेकिन जैसे गुरुजी बोलते हैं समझने की ज़रूरत नहीं है, सुनते जाओ और वाइब्रेशन सुनो, अपने सोल को प्योर करो। पता नहीं वो शब्द सुनती थी और अपने आँखों से आंसू निकल के आती थी, अपने आप बहती थी। पता नहीं होता था गुरुजी कौन सी कर्म करते थे। ऐसे करके जाने लगी। किसी दिन छोटे वाले बेटे को लेके गई, चल गुरुजी के मंदिर तुझे ले चलती हूँ, किसी के साथ। कभी कभी मैं अकेली भी चली जाती थी रोहिणी से संगत जी, 4 बजे निकलती थी, रात को 11:30 घर आती थी। किसी ऐसे भी हुआ था, जाते वक्त जैसे मेट्रो में जाती थी उसी टाइम ही सोचती थी फिर कब आऊँगी। दर्शन करने से पहले ही, उस दिन दर्शन होता नहीं था कि मैं अगले दिन के जाने के लिए सोचती थी। गुरु जी ऐसे मुझे कनेक्ट कर लिया था, अपने साथ खींच लिया था। ऐसे ही जाती थी। फिर लोग बोलते थे कि गुरु जी जब भी बुलाते जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद पिला के क्योर करते हैं, कर्म कटाते हैं। मैं बार बार गुरु जी को पूछती रहती थी, हम लोग तो इंसान दिमाग है, ज़्यादा दिमाग लगाती हूँ। गुरु जी को मैं बार बार क्वेश्चन करती थी, गुरु जी मेरा कौन सा कर्म आप कटा रहे हो, गुरु जी आप मेरा कौन सा कर्म कटा रहे हो, इतने बार मुझे बुला बुला के आप चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद खिला रहे हो। ऐसे करते करते जाती रही। सबसे बड़े मंदिर में मुझे गुरु जी से कनेक्ट होने में तो देर लगा ही था, उतना कनेक्ट अभी हुए हैं। अभी गुरु जी को सब कुछ मानती हूँ। गुरु जी मेरे पापा हैं, मैंने अभी लॉकडाउन में अपने पापा को खोई हूँ। मैं बंगाल की हूँ तो मैं जा नहीं पाई पापा के अंतिम टाइम पे। खबर आती थी मेरे पापा बीमार हैं, तबीयत उनका ठीक नहीं है। पापा खुद बोलते थे इस लॉकडाउन ख़त्म नहीं होगा मैं चली जाऊँगी, तू मेरे छोटी बेटी, तू इतना दूर है, तू उससे नहीं मिल पाऊँगी। पापा को भी पता चल गया था पापा जाने वाले हैं, मुझे भी पता चल गया था मेरे पापा जाने वाले हैं, लेकिन मैं जा नहीं पाई, मिल नहीं पाई। गुरु जी के पास शेप अरदास करती थी, गुरु जी मेरे पापा को कष्ट ना मिले। कभी कभी बोलती थी गुरु जी इतना बड़ा पनिशमेंट मुझे मत देना, इस लॉकडाउन में पापा का कुछ हो ना जाए, मुझे एक बार मिलने देना गुरु जी पापा से। लेकिन मम्मी से फ़ोन होती थी, पापा से भी फ़ोन पे होता था, उनको तो हार्ट का प्रॉब्लम था, सांस का प्रॉब्लम था, सीओपीडी था। तो मम्मी कभी कभी बोलती थी कि तेरे पापा ना सुबह जैसे सो जाते हैं देख के बहुत कष्ट लगता है, पूरा रात सो नहीं पाते, सांस का ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ऑक्सीजन घर में ले आया था भैया ने कुछ। तो एक दिन सुन के मन ही हुआ मुड़ा गुरु जी के पास, मैं खुद ही बोल दी कि गुरु जी मेरे पापा को कष्ट नहीं देना, ऐसे हो तो आपके चरण में पापा को स्थान देना। आप मानोगे नहीं संगत जी, जब तक मैं गुरु जी के पास ये अरदास करती थी कि मेरे पापा को मुझे इतना बड़ा पनिशमेंट नहीं देना, मुझे एक बार पापा से मिलने देना, तो पापा ठीक जैसे थे, कष्ट में भी थे, उतना कष्ट नहीं था लेकिन कष्ट भोग रहे थे। जिस दिन मैंने गुरु जी के सामने अरदास की कि मेरे पापा को कष्ट ना हो गुरु जी, अगर कष्ट हो तो
आपके चरण में स्थान देना। उसके अगले दिन ही पापा, रात को मैं 10 बजे पापा से डेली फोन होते थे, वीडियो कॉलिंग होते थे हमारे, 10 बजे मैं फ़ोन करती थी डेली, 10:30 रात को एक बार, सुबह 2 बार, 3 बार, पापा कैसे है, पापा कैसे है करके बात हुआ, मम्मी से बात हुआ, मेरी बड़ी वाली बहन आई है पापा से मिलने के लिए, 10 बजे मैंने फ़ोन की, मम्मी बोली अभी ठीक है तेरे पापा, भाई अभी बोला पापा ठीक है, लॉकडाउन थोड़ा ठीक हो जाएगा, तू आना फिर पापा का अच्छे से सेवा करना। मैं निश्चिंत होकर सो गई। सुबह 6 बजे फ़ोन बजी, मोबाइल पे फ़ोन आई मेरे मेरे नीज़ की, उसने बोली मौसी नाना जी नहीं रहे। मैंने बोला क्या बोल रही है तू, मैंने तो रात को ही फ़ोन की थी, पापा तो ठीक है बिल्कुल, पापा तो अभी ठीक है, 2 दिन पहले पापा इतना जितना ख़राब थे अभी तो उतना नहीं थे, पापा तो ठीक थे। लेकिन उसने बोला नहीं अभी अभी मुझे भी खबर मिला है नाना जी चले गए, आप मानेंगे नहीं संगत जी, जैसे किसी को गोदी में ऐसे करके ले जाते, गुरु जी ने मेरे पापा को ऐसे ही लेके चले गए। रात को 1:30 बजे उन्होंने उठे थे, एक बारी पानी पिया दीदी के बड़ी वाली बहन के हाथ से पानी पिया, एक बार पानी दे दे करके फिर लेट गए, थोड़ी देर बाद उठ के बैठे, मेरे मम्मी के गोदी में सर रखा और वहीं पे अपना सांस त्याग दी। ये गुरु जी के कृपा, कृपा के बिना कुछ नहीं है, गुरु जी ने ले गए अपने पास। अभी भी मैं सोचती हूँ पापा मेरे गुरु जी के पास ही है, यहाँ भी है पापा, अच्छे हैं। इसी तरह मैं गुरु जी से चलते रहे, मेरा जर्नी चलते रहे, मैं बड़े मंदिर में जाती थी और सेवादारों को, सेवादारों की सेवा देख के मैं हैरान हो जाती थी, किस तरह से लोग इतने अच्छे से सेवा कर सकते हैं, इतने इतने संगत को जल प्रसाद, चाय प्रसाद, ना उनके मुंह पे कभी नाराज़गी देखी, ना कभी असंतुष्टि देखी, उन्होंने इतना सेवा भाव से जो सेवा करते थे वो देख के मैं आश्चर्य हो जाती थी। मैं भी सोचती थी, अपने फ्रेंड्स को बोलती थी मुझे सेवा करना है, मुझे सेवा करना है बड़े मंदिर में। वो लोग बोलते थे बड़े मंदिर में सेवा ऐसे नहीं मिलते, जिन लोगों को सेवा मिलते वो लोग बहुत पुराने लोग हैं या रजिस्ट्रेशन करते हैं तब मिलते हैं। तो मैं बोलती थी किसी दिन चलो ना, बोलती हूँ जो आंटी लोग जल प्रसाद के बाद ग्लास धोते हैं, चाय बर्तन धोते हैं, उनको बोलती हूँ थोड़ी देर आप लोग रेस्ट कर लीजिए आंटी जी, हम लोग थोड़ी देर कर देते। तो मेरे आंटी सहेली आंटी हंसती थी और बोलती थी पर चल ऐसे नहीं सेवा मिलते। फिर ऐसे मन ही मन सोचती थी, बोलते थे सेवा जब देने हैं गुरु जी देंगे, ऐसे करके आते जाते रहते थे। फिर एक दिन लंगर प्रसाद कर रहे थे हम, तो वहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ कि फ्री सेवा होने वाले हैं, फ्री सेवा होने वाले हैं, डेट मुझे पता नहीं, शिवरात्रि के पहले पहले का कितने डेट से 9 से 21 तक ये ऐसे ही कुछ फ्री सेवा होने वाले हैं, जो आना चाहते आइए। तो संगत जी मैं अपने ही फ्लैट में एक प्ले वे स्कूल खोल रखी हूँ, अभी तो लॉकडाउन के लिए बंद है, तो मंडे टू फ्राइडे तो मैं जा नहीं पाऊँगी, सुबह 9 से 12 बजे तक की मेरी स्कूल है। तो मैंने फ्रेंड को बोला संडे को चलो ना, संडे को चलो, सैटरडे संडे को चलो, एक दिन तो सेवा करके आऊँगी मैं, चलो। फिर मेरे रूपा मैडम वो भी बोली ठीक है चलो। फिर हम दोनों मिलके एक दिन सेवा करने चले गए, सुबह सुबह 9 बजे से घर से निकल गए, वहाँ पे गई तो उससे पहले ही मेरे ऑपरेशन सर्जरी हुई थी, यूट्रस रिमूव हुआ था मेरा, 2-2.5 महीना ही मुश्किल से हुआ, सितंबर में हुआ था वो, कब हाँ मतलब इतने ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। तो हस्बैंड मुझे बार बार बोल रहे थे कि तुम सेवा करने जो जा रहे हो वहाँ पे अगर भारी भारी बाल्टी कुछ तुम्हें उठाने के लिए बोले तो तुम क्या करोगे। तो मैंने बोला जो वहाँ तो कुछ मना नहीं कर सकती हूँ मैं, गुरुजी का इच्छा है, गुरुजी जो चाहते हो वही कराएंगे, मुझे जो सेवा मुझे मिलेगा मुझे वही करना है, मैं मना नहीं करूँगी। तो ऐसे बोल के मैं चली गई, हम दोनों फ्रेंड्स चले गए। उस दिन गए ओपन सेवा था वो, 11 बजे से लेकर 3 बजे की सेवा होते हैं। जैसे हम लोग बड़े मंदिर पहुँचे, सुशीला आंटी के थ्रू में हम लोग गए थे, तो आंटी जी आई, फिर पता लगा कि बड़े मंदिर में तो सेवा नहीं है आज, आप लोग गाड़ी में बैठिए दूसरे जगह ले चलेंगे आप लोग। फिर हम लोग सारे अपने अपने जोड़े पहले खोल के रखी थी, फिर जोड़े पहन के फिर गाड़ी में बैठे सारे, वहाँ से अंकल जी सेवादार अंकल हम लोगों को कार में बिठा बिठा के ले गए, थोड़ी सी दूर में एक फार्म हाउस था वहाँ पे ले गए थे।
तो हम लोग सोचा यहाँ पे हमें क्या सेवा करना है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, एक फार्म हाउस है तो। लेकिन काफ़ी लोग 50-60-100 होंगे लोग ऐसे जाके इकट्ठे हुए वहाँ पे। कई लोग खूब खुश हो रहे थे कि जैसे गांव में आ गए, वहाँ पे बेर के पेड़ थे, उस टाइम बेर भी लगा हुआ था, तो मन ही मन बड़े खुशी हो रहे थे। लेकिन सोच नहीं पा रही थी कि सेवा क्या है, वहाँ पर सेवा क्या करना है। तो जो सेवादार अंकल आए थे हमें इंस्ट्रक्शन देने के लिए, वो सेवादार अंकल ने बोला ये जो दो दो फार्म हाउस में दो जगह थे फील्ड, इधर एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, तो बोला आधे आधे होके आप लोग बांट जाइए, और इस जमीन में जितने मोटे मोटे कंकर है सबको आप लोग छांटिए और छांट के साइड में कीजिए, क्योंकि यहाँ पे शिवरात्रि में यहाँ पे संगत को बिठाना है। गुरु जी को संगत बड़े प्यारे हैं, तो कोई संगत के पैरों में एक कंकर नहीं आना चाहिए। तो जितने भी बड़े बड़े कंकर हैं वहाँ से आप लोग निकाल के छांट छांट के एक साइड में कीजिए। तो हम लोग मानेंगे नहीं, बहुत सारे लोग 100 लोग होंगे, कोई किसी को जानते नहीं थे वहाँ पे जाके, कितने सारे लोगों से इंट्रोडक्शन हुआ, बातें करते करते खूब खुश होके सब ने कहाँ कहाँ से आए थे, छोटे बच्चे, मेरे बच्चों की, मेरे बेटों के एज के बच्चे भी थे, बड़े आंटी भी थे, हमारे एज के भी थे, सबके साथ ऐसे हम लोग कंकर छाटने लगे। वहाँ पर कुछ झाड़ियाँ थी वहाँ उसको कटने लगे, ये सब करने लगे 11 बजे से लेके। सेवादार अंकल बीच बीच में आके हम लोगों को चाय प्रसाद, जल प्रसाद, वो भी देखती रही कि गुरुजी कितना संगत को कितना ख्याल रखते हैं, गुरुजी कितना प्यार है उनको सबको। बार बार दूसरे सेवादार अंकल बड़े मंदिर से चाय लेके, जल प्रसाद लेके, समोसे लेके बार बार आ रहे थे, उसके सेवा कर रहे थे। फिर हम लोग वो करने लगे, तो जो कंकड़ छांट रहे थे उनको बीच में, चारों तरफ से कंकड़ बीच बीच में यहाँ वहाँ से छांट छांट के साइड में ले जाके ढेर कर रहे थे। तो वहाँ पे छोटे छोटे चुन्नी जैसे कपड़े के टुकड़े होते हैं, ऐसे टुकड़े में उसको बीच में रख के इधर एक जनी दो हाथ से इधर पकड़ रहे थे, एक जनी उधर पकड़ रहे थे, फिर जाके साइड में कर रहे थे। तो मैंने जैसे बोली थी घर में, जो ये सोची थी, हस्बैंड ने भी सोचा था कि भारी बाल्टी तो उठाने नहीं देगा तुमको गुरुजी, ये सेवा तो नहीं आ जाएगा। तो गुरुजी मुझे परीक्षा ले रहे थे, पता नहीं परीक्षा ही लेंगे अभी मैं सोचती हूँ, तो देख रहे थे मेरा भाव। तो उसी बीच में जैसे ही इतने सारे कंकर की ढेर था, तो एक अंकल, छोटा सा अंकल आके बोला आंटी आप पकड़ो, उधर से आप पकड़ लो। तो मैंने पकड़ी ले जाके फिर कॉर्नर में डाल दी। ऐसे ही कितने 2-4 बार 6-7 बार ऐसे ही मैं करती रही उनके साथ। तो गुरुजी शायद देख रही थी कि ये तो अच्छा ही तो ले गई उठा के। फिर एकदम अजीब, एक बार उसमें बहुत सारे भारी आ गया था, बहुत सारे कंकर आ गया था, भारी था। तो गुरुजी कितने बच्चों की ख्याल रखते, अब देखिए गुरुजी तो जान ही जान है, उनको पता था मेरा ऑपरेशन हुआ है, मुझे कितना वजन देना था गुरुजी को वो भी गुरुजी को पता था, कितना वजन नहीं देना था वो भी गुरुजी को पता था। तो जैसे ही वो भारी बहुत सारे, जब जिस टाइम एक बार ज़्यादा भारी चीज़ आ गया था, तो उस टाइम वो अंकल, छोटा सा अंकल बोला अंकी अंकल आंटी ये आपसे नहीं होगा आप हटिए। साथ में एक अंकल जी थे उनको बोला अंकल आप आ जाइए आप पकड़ लीजिए। ऐसे गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन बनता रहा। मैं बहुत सत्संग सुनी हूँ संगत जी, अभी भी सुनती हूँ सारे पुराने पुराने संगत जो गुरुजी के टाइम पे गुरुजी को देखे थे अपने आँखों से, उनके सत्संग सुनी हूँ, और अपने आप छोटे छोटे चीज़ सारे रिलेट करती हूँ। तो मुझे लगता है गुरुजी तो अभी भी है, गुरुजी है, गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते, हमें देखते, हमें कृपा करते, हमें ब्लेस करते। इसी तरह मैं गुरुजी के साथ जुड़ती गई। फिर हम डुगरी जाते हैं, सुना था जो डुगरी गुरुजी का बर्थ प्लेस है, वहाँ पे भी महीने में एक बार दिल्ली से लोग जाते हैं, बसेस जाते हैं, तो डुगरी चलते हैं। तो हमने सोचा डुगरी चलूँगी गुरुजी डुगरी ले चलो। उसके बीच कभी तो ब्लेसिंग के लिए गुरुजी आपका स्वरूप चाहिए, एक स्वरूप मिला तो बड़े वाली स्वरूप चाहिए। जब जैसे बच्चों की तरह गुरुजी के पास अरदास करती थी, गुरुजी ऐसे ही पता नहीं कैसे ही वो फुलफिल हो जाता था। गुरुजी का स्वरूप मिला, बड़ा वाला स्वरूप जो आप पीछे देख रहे हो मेरी, ये गुरुजी का स्वरूप। एक बार गई थी ऐसे ही एक दिन,
तो अचानक दर्शन के बाद जैसे जिस काउंटर में गुरु जी का स्वरूप वगैरह सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वहाँ पे गई थी, तो अचानक एक अंकल जी ने बोला आंटी ने आज बहुत बड़े बड़े स्वरूप आ रहे, सबको दे रहे, जो जाना लेना है तो ले लो, कूपन दे रहे थे। फटाफट मैंने बोला कि आंटी जी मुझे भी दे दो, तो कई लोग बोल रहे थे नहीं घर में सत्संग होते तभी देते, लेकिन जो सेवादार अंकल थे मैंने बोला अंकल जी प्लीज़ मुझे एक बड़े स्वरूप गुरु जी का दे दीजिए, बोले आप इधर आ जाइए। तो पास में गई, मुझे वो बड़े बड़े स्वरूप की टोकन अंकल जी ने दिया, इतने खुशी खुशी मैंने ये गुरु जी के स्वरूप लेके घर आई। तो इसी तरह गुरु जी के ब्लेसिंग्स मिलते रहे, छोटे बड़े मिलते रहे, कनेक्शन बनती रही मेरा। उस टाइम मैं गुरु जी को ऐसे ही मानती थी, गुरु जी पापा जाने के बाद उनको मैंने अपने पापा ही बोलती हूँ, सब कुछ गुरु जी जान ही जान है, सारे चीज़ गुरु जी के पास, अपने सुख दुख सब कुछ बांटती हूँ। ये नहीं जिंदगी में सुख नहीं है दुख नहीं है, सब कुछ है, लेकिन गुरु जी के साथ रह के उसको झेलना सीख गई हूँ। गुरु जी पे बहुत बहुत विश्वास है। फिर डुगरी जाने के लिए सोचा डुगरी चलूँगी, सारे फ्रेंड्स मिलके सोचा सब मिलके चलेंगे, कोई बोल रहे थे कार में चलेंगे, तो एक फ्रेंड मेरा बोला नहीं कार में जाना, लेडीज ही कोई जेंट्स ना होगा तो थोड़ा सा वो है बस चलते, बसेस में चलना। और इस दौरान रोहिणी में कितने जो सत्संग मैंने अटेंड की संगत जी, आपको क्या बताऊं, कहां कहां से व्हाट्सएप में मैसेज आ जाते थे, कोई फ्रेंड्स को आया कोई सत्संग की मैसेज वो मुझे फॉरवर्ड कर देती थी, मेरे पॉकेट में ये चांदनी आंटी करके एक आंटी है वो हम दोनों मिलके कहां कहां चली जाती थी, ना जान ना पहचान सिर्फ एक गुरु जी का सत्संग, बस गुरु जी का सत्संग देख लेते थे और वो इन्विटेशन देख के हम चले जाते थे अवंतिका रोहिणी सेक्टर 16 सेक्टर 20 सेक्टर 22 कहां कहां जाती थी और लंगर प्रसाद जल प्रसाद चाय प्रसाद लेके आती थी। और फिर भी मन में यही था गुरु जी को, फिर मैं ये क्वेश्चन भी करती थी आप मेरा क्या कर्म कटा रहे हो गुरु जी, इस तरह से मुझे आपने क्या कर रहे हो, इतने भगा रहे हो, इतनी कैसे पागलों की तरह करती थी मैं, पागलों की तरह। उन दौरान मेरे बड़े मंदिर जाना शुरू से लेके मार्च तक वो ज़्यादा लंबी टाइम नहीं मिली थी, क्योंकि उसके बाद तो लॉकडाउन शुरू हो गया था, लेकिन उस तीन चार महीने के दौरान मैंने गुरु जी ने मुझे सारे ब्लेसिंग कर दी, जोड़ लिया मुझे पूरे तरह से। फिर एक दिन मैं सत्संग गई थी तो मेरे आंटी ये जो रूपा आंटी हैं उनको डुगरी जाने की वजह से जा रहे थे तो उनको जाना था, तो मुझे कॉल में सत्संग में जाती है तो फ़ोन तो या तो साइलेंट कर देती हूँ या तो बंद कर देती हूँ, तो मेरे उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट नहीं कर पाई थी। फिर बाद में जब आई उसके फिर उन्होंने बताया कि डुगरी जाने वाले हैं बसेस कल परसों के लिए फर्स्ट, जैसे मंथ की फर्स्ट डे होता है, तो मैं जा रही तुझे इसीलिए मैंने कॉल किया था कि एक टिकट था तो अगर तू जाती थी तो, मैं बोल रही मैं तो चलूँगी मैं, मुझे तुमने क्यों नहीं बताया आंटी मैं चलूँगी, तो बोल रहे अभी तो और नहीं है, अब तो नहीं है और किसी को, वो और किसी को बोली फिर मैं, मुझे नहीं मिली तो अकेले जाएगी और किसी को बोली, फिर वो लोग चले गए। मैं इतनी उदास थी, मैं इतना उदास थी, गुरु जी को बोली गुरु जी प्लीज़ डुगरी जाना है आपने, मैं क्यों नहीं फ़ोन उठा पाई, मैं क्यों नहीं वो कर पाई, ऐसे करती रही। वो फेब्रवरी का महीना था गुरु जी, और मार्च की फर्स्ट मार्च के लिए जो डुगरी के वो थे डॉली आंटी है हमारे डुगरी के में बस सेवा देती हैं, उनके वहाँ से मैसेज आया कि डुगरी जो आते थे आते ही रहते हैं, सबको आप लोगों को पता है जो लोग ग्रुप में हो कि डुगरी जाने के लिए। मैंने एक सेकंड भी देर नहीं की, बेटे को बोला बेटा मेरा दो टिकट मेरा और एक मिठू आंटी करके और एक मेरे फ्रेंड है संगत दोनों मिलके की है। फिर मेरे पॉकेट में चांदनी आंटी एक रहती है, उन्होंने भी बोला आप दोनों जा रहे हो, हम तो पहले दो टिकट बुक करा लिए थे मैं और मिठू आंटी की, जाना है किसी तरह जाना है, हस्बैंड को भी बोला मैंने मैं चलूँगी यहाँ से बसेस जाती है प्लीज़ नहीं चलूँगी, उन्होंने भी माना नहीं किया, ठीक है चलो जाओ। फिर हम दोनों ने तो पक्का था, फिर ये चांदनी आंटी बोली कि आंटी मैडम आप भी जा रहे हो तो आपके साथ मैं भी इसी टाइम चली जाती हूँ, इससे पहले मैं दो बार प्लान बना के भी जा नहीं पाई, कुछ ना कुछ बाधा अड़चने आ गई थी, तो हमने बोला चलिए अच्छा होगा सब तीनों मिलके हम चले जाएंगे एक ही पॉकेट से मेरे सोसाइटी से या तीनों लोग। फिर हमने तीनों उन्होंने भी फिर बुकिंग कराई,
फिर उस दिन आ गई 31 फेब को दिल्ली से रात 10 बजे रिठाला मेट्रो स्टेशन से, उन्होंने बोला आपको पिक करना है। फिर हम लोग तीनों हस्बैंड जाके हमें वहाँ पे छोड़ दिया, बस इससे चली गई पूरा रात। बहुत अच्छा लगा, कोई सत्संग कभी ये सेवा वो सेवा, प्रसाद जल प्रसाद वाली आंटी के साथ पूरे बस भर के गए थे हम, से सारे जगह से दिल्ली के रोहिणी से ही सबको कलेक्ट करते करते गए थे। अच्छी तरह सुबह सुबह गुरुद्वारा में पहुँच गए थे, नहा धो के तैयार होके हम लोग चले गए। बहुत अच्छे से गुरुजी का दर्शन हुआ, और यही वाला मेरे दीवार पे जो गुरुजी का स्वरूप है, मैं जाके गुरुजी का वहाँ पे वही स्वरूप दिखा तो मुझे एकदम से पता नहीं और भी कनेक्शन लगा कि जो गुरुजी आप मेरे घर में भी हो, यहीं पे यहाँ पे भी हो आप। तो मन ही मन ऐसे सब बोलते थे, सत्संग सुनती थी और रिलेट करती थी, आप मन ही मन गुरुजी से बातें कीजिए, मन ही मन गुरुजी से बातें कर कीजिए बातें कर रही थी मैं। फिर वहाँ से लंगर अंगर करके गांव देख के, वहाँ से बेर खरीद के, अमरूद खरीद के जो मिल रहे थे बहुत अच्छा लगा था। वहाँ से फिर हम लोग स्टार्ट करते हुए जैसे इतने सारे संगत होते हैं आप लोगों को पता होगा, बस स्टार्ट करने में थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो फिर थोड़ी देर आते ही ऐसे हुआ, ये भी एक बड़ा सत्संग है, हम लोग जैसे ही थोड़ी देर निकल के आए थे डुगरी से, तो एक जगह पे, मैं जगह की नाम तो अभी पंजाब का उतना मुझे पता नहीं, हमारे बसेस को पंजाब पुलिस में पकड़ लिया, क्योंकि उनका रोड लाइसेंस नहीं था, कुछ भी था, कुछ प्रॉब्लम था उसको, पेपर वर्क ठीक से सही सलामत नहीं था। फिर पंजाब पुलिस में पकड़ के बस को साइड में कर लिया। आप सोचिए वही बस में 50-55 सारे लेडीज, कुछ जेंट्स संगत भी थे, कुछ अंकल जी भी थे, तो ज़्यादातर बुजुर्ग ये वो थे। तो बहुत सबने, हम लोग तो बहुत घबरा गए कि एक तो ऐसे ही लेट हुआ वहाँ से स्टार्ट करने में, और पुलिस वहाँ पे पंजाब पुलिस भी बसेस को साइड में कर लिया कि नहीं आपका तो ये पेपर वर्क नहीं है, पेपर दिल्ली से कैसे आ गए आप पंजाब तक, रोड वो परमिट ही नहीं है। फिर वो तो पता भी नहीं था कि आप क्या करें क्या, सब लोग गुरुजी को अरदास करने लगे, गुरुजी क्या होगा वो होगा। 2-3 घंटा बस वहाँ पे रुके रहे। फिर वो दिल्ली से ही किसी आंटी ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कराई गुरुजी के कृपा से, गुरुजी ही कराए और क्या। गुरुजी वो मुझे लगता है बस ड्राइवर अंकल को भी गुरुजी को थोड़ा सा गुरुजी थोड़ा सा उनको भी सबक सिखाना था कि पेपर वर्क प्रॉपर करके रास्ते में जो करना चाहिए लीगली ऐसे जाना चाहिए, उनका भी गलती था थोड़ा बहुत। तो वो तो हर बारी ले जाते हैं संगत को, लेकिन उस टाइम उन्होंने थोड़ा सा लापरवाही हो गया होगा, तो गुरुजी ने उनको भी थोड़ा सा वो करने के लिए थोड़ी देर के लिए तो रुक के रखा, लेकिन बहुत अच्छे से गुरुजी ने फिर वहाँ से निकल के बस ले आए। तो वापस जब आ रही थी 8-8:30 ऐसे ही होगा, पंजाब ये सब जगह से क्रॉस करके आ रहे थे, तो उन दिनों पे वो प्रॉब्लम हो रहा था कुछ दिल्ली में जो चल रहा था, राइट चल रहा था उसके लिए। तो अचानक व्हाट्सएप में, सबके व्हाट्सएप में फोन मैसेज आने लगा, दिल्ली में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, अवंतिका में आग, दुकान में आग लगा दिया, रोहिणी में हो रहे, और एक कौन सी अफवाह जो शुरू हो गए संगत जी आपको बता नहीं सकते। पूरे बस में हम लोग सारे संगत सिर्फ गुरुजी जय गुरुजी का मंत्र जप करने लगे कि क्या करें आप डॉली आंटी, सब लोग सोचने लगे दिल्ली में कैसे एंट्री करें। फिर वहाँ से खबर आ रही है अवंतिका में आग लग गया, रोहिणी में हो गया, बसेस नहीं आना चाहिए। इधर उधर से मैं भी अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि आप लोग मत आओ लेने, फिर आप लोग आओगे अगर कुछ हो जाए बाई चांस तो मैं ऐसे करूँ। फिर सोचने लगे क्या हुआ, दिल्ली में बस को नहीं ले जाएंगे। फिर डॉली आंटी ने ऐसे ही बोला कि दिल्ली एंट्री करने से पहले कोई गुरुद्वारा है वहाँ पर रात रुक जाते फिर चले जाएंगे। सब लोग गुरुजी को सिमरन करते रहे संगत जी, लेकिन गुरुजी का कृपा तो अपरंपार है। शायद गुरुजी हम लोगों की भक्ति को देखना था, जो भी था पता नहीं क्या था। धीरे धीरे जैसे जैसे दिल्ली की तरफ आने लगे, 11:30-11:12 बजने लगे, ऐसे ऐसे मैसेज आने लगा नहीं ये तो अफवाह थी, यहाँ पे इतना कुछ नहीं है वो नहीं है। फिर भी डॉली आंटी बोलने लगी कि रोहिणी तक बसेस नहीं जाएगी, पीतमपुरा तक बस ले जाते थे, वहाँ पे गुरुद्वारा है वहाँ पे रख देंगे। फिर हमने सोचने लगा कि पीतमपुरा में फिर आऊँगी कैसे, घर वाले अगर आए उनके साथ कुछ हो जाए तो। लेकिन
रात 1:30 जब बजने लगे, जब तक हम आए तब सब कुछ शांत था, गुरु जी की कृपा से कुछ था ही नहीं। लेकिन हम लोगों के बीच, हम लोगों को बस इसमें जो शुरू हो गया था, मतलब वो सब खबर सुन सुन के इतने डर, इतने वो गुरु जी ने तो वो 1 सेकंड में उसको पता नहीं सब कुछ ख़त्म था। हम लोग एज इट इज़ रिठा लमी, हस्बैंड गए, बच्चे गए, हम लोगों को 1:30 बजे लेके आए, घर आई, गुरु जी के बहुत बहुत शुक्रिया किया, शुक्राना गुरु जी शुक्राना। तो मैं डुगरी भी हो आई, इसी तरह मेरा जर्नी गुरु जी के साथ चलते रहे। और फिर मैं ऐसे ऐसे करते जनवरी फरवरी शिवरात्रि में 31 को गई, 31 दिसंबर की प्रोग्राम में गुरु जी के बड़े मंदिर गई, बहुत अच्छा लगा उस दिन, तो बहुत ही अच्छा लगा। न्यू ईयर की सेलिब्रेशन, बड़े मंदिर की फूलों की सजावट, आप लोग जो जाते हो उनको तो सबको पता है, ये क्या बताऊँ मैं, लेकिन ये मेरा किस्मत में था, ये भी देखी मैंने। फिर शिवरात्रि वाले दिन गई, हम तीन फ्रेंड्स मिलके, तीन आंटी मिलके गई थी। तो जैसे होता है कि शिवरात्रि दिन तो बहुत टाइम लगेगा, मैं तो घर में बोल के, मतलब घर में पता ही था, हस्बैंड भी जानते हैं, हस्बैंड ही गुरु जी के साथ मुझे मिलाया था, कोई तो एक होता है जो उन्होंने ही गुरु जी के जिक्र किया था, तो हस्बैंड को पता था, वो इतने जाते नहीं हैं, उसके बाद बड़े मंदिर इतने गए नहीं, लेकिन मना भी नहीं करते, प्लस ऐसे मानते हैं गुरु जी को, लेकिन जाते जा नहीं पाते इतने बार, मतलब वो ही गुरु जी ने उनको बुलाया नहीं फिर दोबारा, और गुरु जी जाने, गुरु जी का जब कृपा होगा फिर वो जरूर चलेंगे। मैं लेकिन उनको बहुत बार बोलती थी, मैं कभी अकेली भी गई, चलिए ना बड़े मंदिर चलिए ना, तो वो मुझे ऐसे ही बोलते थे, मैं तो गया था, मैं तो गुरु जी को स्वरूप मिला है, मैं तो पहली बार गुरु जी के पास गया था। तो उन्होंने भी, मैं बोल के गई थी, और एक फ्रेंड वो भी बोल के गई थी, और एक फ्रेंड मेरी थी, तो सबके घर के उनको था कि जल्दी जल्दी जाऊं और जल्दी जल्दी वापस आऊं, उनके घर में एक बेटी बेटा है, शिवरात्रि वाले दिन तो बहुत टाइम लगना था, हमने बोला था, तो हम लोग 9:10-11 बजे ही निकल गए वहाँ कि जल्दी जल्दी चलेंगे, बहुत रास होगा। फिर हम लोग जैसे उतरे उस दिन, आप लोग सबको पता होगा, वहाँ पे बसेस लगाई थी मेट्रो से, और कोई सेवा नहीं था, गाड़ी वगैरह जाने की बहुत रास थी। तो हम लोग जब गए मेट्रो स्टेशन में, जब उतरे थे तो वहाँ हमारे पहले 200 लोग शायद खड़े थे बस पकड़ने के लिए, और वो वाली आंटी, शिवली आंटी, तो थोड़ा सा वही कि अभी इतना लोग है तो 2-3 बस पे तो हमें जगह ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने हमारे पहले 200 लोग ऑलरेडी खड़े हैं, फिर कब दर्शन होगा, कब फिर घर जाऊंगी, बच्चे हैं घर में, वो तो ऐसे ही सोचती रही गुरु जी का सिमरन, जय गुरु जी, हम लोग तो करते रहे, गुरु जी प्लीज़ आप कुछ करो। आप मानेंगे नहीं, अचानक हमारे सामने एक अंकल जी आए, एक वैन ड्राइवर, और अचानक बोलने लगे, गुरु जी वाले आ जाओ। और हम तीनों फ्रेंड पागलों की तरह भागते हुए हाँ जी करके हाथ उठा के, हम गुरु जी वाले, और भी हमारे साथ और भी 9-10 संगत आंटी अंकल होंगे, छोटे बच्चे आंटी अंकल फैमिली जो भी है, वैन पे फटाफट बस को क्रॉस करके, उधर से दूर से ऑपोजिट साइड से वो वैन वाले अंकल हमें बुलाने आए थे कि गुरुजी वाले आ जाओ, हम लोग गुरुजी वाले बन के फटाफट जाके वैन पे बैठे, और उस दिन उन्होंने वो अंकल हमें बिठा के ले गए। वो जो अंकल थे वो भी मुझे पता, सब लोग जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ, हो सकते मैं ज़्यादा सोचती हूँ या आप लोग सुन के क्या बताएंगे मुझे पता नहीं, वो मुझे लगता है उस दिन वो गुरुजी थे जो हमें मंदिर तक ले गए थे, वो गुरुजी थे। तो उनके वैन में बैठी, सामने वो अंकल, वैन ड्राइवर अंकल सामने सीट में, उनके साथ मैं ही बैठी थी, और पीछे मेरे फ्रेंड्स लोग बैठे थे और भी जो भी बैठे थे। तो बातें करते करते ले गए, तो उन्होंने बोला कि आपको इधर से ले जाएंगे तो आप लोग मंदिर पहुंच नहीं पाएंगे, बड़े मंदिर बहुत रास्ते उस दिन, बहुत ट्रैफिक, सब बड़े मंदिर जाने के लिए बस ऐसे हो, तो उन्होंने गांव के रास्ते में लेके चले गए, बाएं तरफ से अंदर ले ली गली में, कहां से गए हो तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें ना उनको हम जानते थे, लेकिन ना डर था ना कुछ था, उनके ऊपर बहुत विश्वास किया था, वो तो ठीक है, लेकिन उनको सब बोल रहे थे अंकल जी अंकल जी, तो वो मतलब जो
गुरुजी के मंदिर के उसी रोड पे जो अंकल वैन चलाते हैं, जिसका वो रूट है, उनको तो पता होगा कि गुरुजी के मंदिर वहाँ पे सब आंटी अंकल करके ही बोलते हैं। जैसे ही उनको सबने अंकल बोला, उनके मुंह पे इतना हंसी थी, और ऐसे हंसे हो बच्चों की तरह कि अंकल क्यों बोल रहे हो आप सब हमें, अंकल क्यों बोल रहे हो, हा हा करके अंकल हूँ अंकल। तो हमने बोलने लगा क्यों अंकल, आपको पता नहीं गुरु जी के यहाँ तो सब आंटी अंकल होता है, देखो हमारे पास में जो बैठे हैं वो भी आंटी है वो भी अंकल है। बोले नहीं नहीं मुझे पता नहीं, वैसे अनजान तरह से बातें कर रहे थे। फिर हमें बिठा के ले गए, फिर हमें बोल रहे थे आपका नाम क्या है, यह है पूछ रहे थे। तो मेरे पीछे जो आंटी थी वो बोल रही थी आप बंगाली लोगों के नाम ना आप बोल नहीं पाओगे, थोड़ा सा अटपटा सा होते हैं, जैसे मेरा नाम स्मिता है, उसका नाम शिवली है, किसी का नाम वो है, तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में आपको प्रॉब्लम होगा। तो बोल रही थी नहीं नहीं ऐसे नहीं, लेकिन उनके बात ही इतने इंटेलेक्चुअल था कि बाद में हमें लगा कि सच्ची में एक तो वो जैसे बन के गाँव का जैसे ड्राइवर से बन के जा रहे थे, लेकिन उनके बातों में वो चीज़ नहीं थी। बाद में जब हमने सोचा तो वो लगा, वो तो मुझे तो गुरुजी ही लगते हैं, उस दिन लगा मुझे गुरुजी का दर्शन हुआ है। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा बनर्जी का देश का हो, तो हमें तो इतना दूर तक मेरा ब्रेन जा ही नहीं पा, मैं पकड़ ही नहीं पा रही क्या बोल रहे बनर्जी बनर्जी। फिर मुझे याद आया ममता बनर्जी के लिए वो बोल रहे, वो तो हुआ ही चलिए। फिर उन्होंने पूछने लगा आप बताओ आपके बंगाल में क्या 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 देखने का चीज़ है। फिर हमने ये बोलने लगा ये है वो है मंदिर है सारे चीज़ बोलने, मेरे फ्रेंड भी बोलने लगी, जो चीज़ हम भूल गए थे उन्होंने वो भी याद दिलाया। फिर बारिश आई तो गंगा महासागर ये वो बहुत सारे टॉपिक के बात किए। फिर मुझे एकदम से बोलने लगा जब वापस आओगे ना तो मैं ही ले आऊँगा, आप फ़ोन नंबर ले लो मेरा। तो उन्होंने मुझे फ़ोन नंबर दिया तो मैंने ली, तो वो बार बार मुझे बोल रहे कि मिस कॉल करो। तो आपको पता ही है आंटी कि हम लोग तो थोड़ा सा घबराते हैं, उस टाइम तो मुझे पता नहीं था, उनको तो मैं एक वैन ड्राइवर समझ ही रही थी, तो मैं ना उनको मिस कॉल नहीं दे पा रही थी, घबरा रही थी कि पता नहीं नंबर चला मेरे नंबर बराबर। हाँ जय गुरु जी, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू था तो इसीलिए मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, सॉरी गुरु जी। हाँ तो इसी तरह मेरा जर्नी चलता रहा और मैं फिर गुरु जी के बहुत सारे चीज़ जैसे फॉलो करती हूँ। एक दिन मैं गाना सुनती रहती थी तो गुरुजी का पता लगा कि लग जा गले ये वाला गाना मैं गाती रहती थी। एक दिन एक आंटी से पता लगा कि गुरुजी का ये बड़े फेवरेट सॉन्ग है, तो मैं आपको ये वाला गाना आज एक बार गा के गुरुजी का शुक्राना करके आज की सत्संग में ख़त्म करूँगी। अगर गुरुजी ने चाहा तो फिर मैं आऊँगी, एक गाना आपको ये लग जा गले गुरुजी के लिए मैं आज भेंट करती हूँ उनके चरणों पे, आप लोग सुनिए। लग जा गले के फिर हसी रात हो ना हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो ना हो, हो लग जा घड़िया नसीब से।
এক জাগলে संगत जी, जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मुझे ये सेवा देने के लिए, लख लख शुक्राना। अंजलि आंटी, टाइम है क्या? 5 मिनट। मैं एक शुक्राना, 2 लाइन शुक्राना गा के गुरु जी का ये खत्म करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्र करा गुरु जी तोड़ा, शुक्र करा गुरु जी तोड़ा, शुक्र करा तेरा हर बेले दिन रात गुरु जी, शुक्र करा गुरु जी, शुक्र करा मेरी बनी रही जी बात गुरु जी, शुक्र करा मेरी बन गई बिगड़ी बात गुरु जी, शुक्र करा गुरु जी, शुक्र करा गुरु जी, शुक्र करा मेरी सुन ली तू अरदास गुरु जी, शुक्र करा गुरु जी, शुक्र करा सरताजो के सरताज गुरु जी, शुक्र करा गुरु जी, शुक्र करा कट गई अंधेरी रात गुरु जी, शुक्र करा हुई अमृत की बरसात गुरु जी, शुक्र करा गुरु जी, शुक्र करा ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शुचि सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे साथ देने के लिए आप सब लोगों की शुक्राना। अगर गुरु जी ने चाहे तो फिर आके मैं अपना सत्संग सुनाऊंगी। आज के लिए शुक्रिया, प्लीज़ शुक्राना। ठीक है, मैं आज यहीं पे अपना सत्संग ख़त्म करती हूँ। जय गुरु जी। सर्वदा भला करो गुरु जी, सबका भला करो। जय गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। सबको सबको स्वस्थ रखिए इस कोविड से। सबको सबको स्वस्थ रखिए गुरु जी। पृथ्वी से बला हटाइए गुरु जी। नए साल में सबको खुश रखना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।